चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ मौजूद एक विमान में अचानक धुआं निकलने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विमान के आसपास कितना धुआं है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। आइए अब आपको पूरा मामला भी बताते हैं। दरअसल अमीरात एयरलाइंस का एक विमान चेन्नई से दुबई के लिए उड़ान भरने को तैयार था। 320 यात्री विमान में यात्रा करने के लिए इंतजार कर रहे थे। टेक ऑफ से पहले विमान में ईंधन भरा जा रहा था, इसी दौरान अचानक एयरक्राफ्ट से धुआं निकलने लगा। एयरलाइंस स्टाफ ने तुरंत ही एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। बताया गया कि एयरक्राफ्ट में अतिरिक्त ईंधन भर दिया गया था, इंजन गर्म होने की वजह से धुआं निकलने लगा। हालांकि अधिकारियों ने बाद में जांच की और विमान को पूरी तरह से फिट पाया, जिसके बाद उसे उड़ान भरने की इजाजत दी गई। यह है चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ मौजूद एक विमान में अचानक धुआं निकलने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विमान के आसपास कितना धुआं है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। आइए अब आपको पूरा मामला भी बताते हैं। दरअसल अमीरात एयरलाइंस का एक विमान चेन्नई से दुबई के लिए उड़ान भरने को तैयार था। 320 यात्री विमान में यात्रा करने के लिए इंतजार कर रहे थे। टेक ऑफ से पहले विमान में ईंधन भरा जा रहा था, इसी दौरान अचानक एयरक्राफ्ट से धुआं निकलने लगा। एयरलाइंस स्टाफ ने तुरंत ही एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। बताया गया कि एयरक्राफ्ट में अतिरिक्त ईंधन भर दिया गया था, इंजन गर्म होने की वजह से धुआं निकलने लगा। हालांकि अधिकारियों ने बाद में जांच की और विमान को पूरी तरह से फिट पाया, जिसके बाद उसे उड़ान भरने की इजाजत दी गई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।